First of all, I welcome all the students and the participants who are attending to this live lecture, which is organized by the Genius Science YouTube channel. Today we shall discuss the next part of this chapter, and that is expansion of the determinants of order 3. That means the expansion of the determinant of order 3. यानी कि हाँ हेलो सर This determinant, expansion of the determinant of order 3. See this, in this chapter we have to study these different points perfectly. Actually, you note that this chapter is very important for the base of 12th, because in the 12th standard you have to prepare two different chapters based on this chapter. This is the in the 12th there are as it is matrices and determinant, which are the extension part of this. यानी कि 12th में आपको determinant भी करना है, matrices भी करना है, खाली इस part का extension है. So यहाँ पे आपको अच्छी तरह से ये chapter आना चाहिए. Here we shall define this chapter, that is a determinant of order 3. How to define the determinant of order 3? That means I is like a determinant of order 2. Yeah, determinant of order 2 इसका मतलब determinant में दो रो और दो column होते हैं, इसलिए उसको determinant of order 2 कहते हैं. अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 का मतलब है इस डिटर्मिनेंट में 3 रोज एंड 3 कॉलम्स होने चाहिए. सी दिस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3. अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 इज अ स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ 9 एलिमेंट्स, बिकॉज देयर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स. 3 into 3 मीन्स 9. देयर आर 9 एलिमेंट्स एनक्लोज्ड between two vertical bars. This is called as a determinant of order 3. The elements are arranged in 3 rows and 3 columns as given below. Here as like this we can arrange the numbers. Suppose D is equals to, we can arrange this number A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. This arrangement is called as determinant of order 3. यानी कि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स अरेंजमेंट ऑफ 9 एलिमेंट्स 9 नंबर्स विद इन 3 वर्टिकल एंड 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स. मीन्स 3 हॉरिजॉन्टल्स आर कॉल्ड एज रोज, 3 वर्टिकल लाइन्स आर कॉल्ड एज कॉलम्स. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3. अभी इसका 1 सफिक्स में ये सीयर A11 इसका मतलब क्या है रो फर्स्ट, और इसका मतलब क्या है कॉलम फर्स्ट. यानी कि फर्स्ट जो सफिक्स में नंबर होता है रो रिप्रेजेंट करता है और सेकंड नंबर कॉलम रिप्रेजेंट करता है. यानी कि 1 1 1 जो फर्स्ट नंबर है यानी कि फर्स्ट रो, 2 2 2 यानी कि सेकंड रो, 3 3 3 यानी कि थर्ड रो. सो दिस कैन बी रिटन एज रो फर्स्ट. दिस कैन बी रिटन एज रो. रो म्हणजे हॉरिझॉन्टल लाइन, आडवी लाइन. रो सेकंड. दिस कैन बी रिटन एज रो थर्ड. मीन्स फर्स्ट हॉरिझॉन्टल लाइन, second horizontal line and third horizontal line. Now this vertical line is called as a column first, this second line is called as a column second, and this vertical third line is called as a column third. एंड शेयर, यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं, यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं सफिक्स a11, a12, ये जो नंबर्स होते हैं इसे हम सफिक्स बोलते हैं। फर्स्ट नंबर बोलते रो, रो रिप्रेजेंट होता है इसलिए फर्स्ट नंबर 1 1 1 ऐसा ही लिखा जाता है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर 1 1 1 यानी कि रो फर्स्ट, 2 2 2 रो सेकंड, 3 3 3 रो थर्ड। आता 1 2 3 मीन्स फर्स्ट कॉलम सेकंड थर्ड, यानी कि यहाँ पे ये आई जे आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। ये आई जे, ये वन ये टू है ना, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। इसका आई जो होता है, इसके आई रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आई मीन्स इसका मतलब क्या है, आई मीन्स रो नंबर, यानी कि हॉरिजॉन्टल किस लाइन में है। और इसका जे का मतलब होता है जे यानी कि कॉलम नंबर। ओके, दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अभी हम आपको सिलेबस में नहीं आए, लेकिन जेई के सिलेबस में डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n का मतलब क्या होता है, सी दिस, दिस इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। नाउ वी शैल डिफाइन द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n। n का क्या मतलब है, n 2 का हो गया, 3 का हो गया, इतना ही आपको सिलेबस में, लेकिन n के बारे में क्या होता है, आई शैल डिफाइन हियर। अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n is a square arrangement of n by n numbers, n into n numbers or elements enclosed within two vertical bars. These elements are arranged in n rows and n columns, n rows and n columns. So D is equals to, how to write this? This is a11, a12, a13 dot 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 a1n। अगेन सेकंड रो, अभी सेकंड रो स्टार्ट करना है, a21, a22, 2 मीन सेकंड रो, a23 डॉट 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 a2n मीन्स कंप्लीट सेकंड रो, 2 यानी कि सेकंड रो, a31, a32, a33 डॉट 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 a3n। इस तरह से ये थर्ड रो हो गया। वी कैन राइट डॉट 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 अप टू n, nth रो an1, nth रो मतलब फर्स्ट एलिमेंट, an2 मीन्स nth रो, nth आडव्या लाइन मधला सेकंड एलिमेंट, an3 थर्ड एलिमेंट डॉट 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 ann। This arrangement is called as a determinant of order n. यहाँ पे सफिक्स होती है ऑर्डर, इसकी ऑर्डर i, ये आई जे मीन्स एलिमेंट होते हैं और i मीन्स रो नंबर, j का मतलब जो सेकंड नंबर होता है सफिक्स में उसे कॉलम नंबर कहते हैं। इसी तरह से हम n बाई n का मैट्रिक्स सॉरी डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द प्रोसेस, सी दिस। इथं महत्वाचं 3 1, ये 3 1 का मतलब थर्ड रो में का फर्स्ट एलिमेंट, ये 2 1 का मतलब क्या होता है, ये 2 1, 2 1 मीन्स सेकंड रो सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन का फर्स्ट एलिमेंट, ये 2 2 सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन का सेकंड एलिमेंट, थर्ड सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड मीन्स कॉलम थर्ड होता है। इसी तरह से दिस इज रो फर्स्ट, दिस इज रो सेकंड डॉट 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 दिस इज रो n, यानी कि nth रो होता है। सेम कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड This is a column third. In this way, column nth. So, this type of a representation is called as a determinant of nth order. इस तरह से हम determinant nth order कहते हैं. So we shall discuss this. Now, next we shall solve the solution of the determinant of third order. Now, how to solve the determinant? Write down heading. Solution of the value of, write down, value of determinant of order 3. ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसा कैलकुलेट करना है वी शैल डिस्कस. सी दिस, सपोज डी इज इक्वल्स टू, वी हैव कंसीडर द डिटरमिनेंट ऑफ a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33. Then how to calculate the value of this determinants here? The value of this determinant is, suppose d equals to, क्या करना है देखो, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट करना है a11. You have to select a11. Then close row of this element, column of this element. a11 जो एलिमेंट आहे त्याचा रो आणि त्याचा कॉलम डिलीट करा. दिस इज दिस a11 into determinant of, त्याचा रो आणि कॉलम केल्यानंतर कुठले फोर एलिमेंट राहतात पहा, a22, a23, a32, a33. माइनस मिडलचा एलिमेंटची पोझिशन ऑड असते, 1 + 2 म्हणजे 3, म्हणून माइनस a12. आता त्याचा रो आणि कॉलम डिलीट करा, त्याचा रो आणि कॉलम डिलीट करा, जे चार एलिमेंट्स राहतात पाय याचा a12 चा रो आणि a12 चा कॉलम डिलीट करा, म्हणजे जे फोर एलिमेंट्स राहतात, कुठले फोर एलिमेंट्स राहतात, a21, a23, a31, a33. And the third element, now select this third element, that is plus. तो even position है, 1 + 3 म्हणजे 4, even position है. a13, solve this determinant, that is याचा कॉलम. आता a13 हा एलिमेंट घेतल्यानंतर त्याचा रो आणि त्याचा कॉलम डिलीट करा, कोणते एलिमेंट राहतात पहा ते घ्या, that is a21, a22, a31, a32. नाउ सॉल्व दिस डिटरमिनेंट. आता याला सॉल्व करायचं आणि सोल्युशन करून आन्सर कॅल्क्युलेट करायचे. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ डिटरमिनेंट. आता 2/2 चे डिटरमिनेंट कसे सॉल्व करायचे आपण कालच्या लेक्चर मध्ये पाहिलेले. याला तिरकस गुणा करायची, वजाबाकी करा आणि याला सॉल्व करा, होऊन जातं. अशा पद्धतीने आपण दुसरा एक एक्झाम्पल घेऊन तुम्हाला मी समजून सांगतो. सपोज द डिटरमिनेंट d इज इक्वल्स टू, एक्झाम्पल सेकंड. आता हे समजून सांगतो तुम्हाला. डिटर्मिनंट d इज इक्वल्स टू a1, b1, c1. मी सिंपल नोटेशन वापरतो. a2, b2, c2, a3, b3, c3. नाउ हाऊ टू सॉल्व दिस डिटर्मिनंट? सोल्युशन ऑफ दिस डिटर्मिनंट इज इक्वल्स टू, सपोज select this first element a1. अभी a1 selection के बाद हम उसको determinant में modify करते हैं. See this. If we select this a1, अभी हमने a1 select कर दिया तो उसका row और उसका column हमें delete करना है, यानी कि a1 का row और a1 का column delete करो. कौन से फोर element रहते हैं देखो, B2 C2 B3 C3, यानी कि ये फोर एलिमेंट्स रहते हैं. B2 C2 B3 C3 माइनस, अभी मिडल का एलिमेंट है, मिडल का एलिमेंट और उसका कॉलम क्लोज कर दो. सी दिस, ये देखो अगर हम B1 सेलेक्ट कर दिए तो क्या करना है, B1 का कॉलम और B1 का रो ये डिलीट कर दो। B1 का रो और B1 का कॉलम डिलीट कर दो। कौन से 4 एलिमेंट रहते हैं, ये 2C2, ये 3C3, ये 2C2, ये 2C3 एंड ये 3C3 प्लस ये ले ले। सी दिस, वी हैव सेलेक्टेड दिस एलिमेंट, we have selected this element, now select this element C3 that is C1। अभी आप क्या कर सकते हो, C1 को सेलेक्ट करो, C1 का कॉलम डिलीट करो, ये देखो ये कॉलम डिलीट करो, ये रो डिलीट करो, तो कौन से एलिमेंट रहते हैं, ये 2B2, ये 3B3। ये देखो अभी इसका सॉल्यूशन निकालना है। सो वी कैन राइट ये 1 इन अ ब्रैकेट B2C3 माइनस C2B3, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन क्रॉस प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट माइनस B1 इन टू, अगेन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन क्रॉस प्रोडक्ट तिरकस गुना करायची वजापैकी काल आपण सॉल्व केलेला आहे। ये 2C3 माइनस C2A3 प्लस C1 इन टू, अगेन सब्ट्रैक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो, that is A2B3 minus B2A3। this is called the solution of A हो गया इस determinant का solution, 3/3 का determinant solution हो गया। you know, you understand the concept of 3/3 determinants, that means first of all you have to convert this determinant into the 2/2 form। इस determinant को हमें सबसे पहले 2 order में convert करना है और 2 ऑर्डर में कन्वर्ट होने के बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तिरकस गुना कराची वजाबाकी। 2/2 चा डिटरमिनंट म्हणजे तिरकस गुना करा। मिडलचा एलिमेंट कधी मायनस घ्यायचं, हे बी असतो ना, मिडलचा एलिमेंट बी, दिस बी कैन बी टेकन इन द माइनस बिकॉज इट्स पोझिशन इज अकॉर्डिंग टू द पोझिशन। ती ऑड पोझिशन असते, ती ऑड 1 3 म्हणजे ऑड पोझिशन असते। ओके, तर आपण प्रॉब्लेम सॉल्व करू। नाउ सी दिस, राइट ऑन सॉल्व द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। अभी हमें 3/3 के डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना है। राइट ऑन क्वेश्चन एक्सपांड द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, एक्सपांड द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। ओके, write down first number 1 3 2 4 1 4 3 2 7 5। now we shall solve this determinant। हमें अभी इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। सो सबसे पहले उसको लेट कंसीडर करो। लेट D इज इक्वल्स टू 3 2 4 1 4 3 2 7 5, that is D is equals to। now how to solve this, we have studied here। first of all select these 3, यानी कि सबसे पहले क्या करना है, ये 3 सेलेक्ट करो। अगर 3 सेलेक्ट करते हैं तो उसका कॉलम 3 का कॉलम और 3 का रो डिलीट कर दो, 3 का कॉलम और 3 का रो डिलीट कर दो। 3 इंटू कन्वर्ट दिस 3 का रो और 3 का कॉलम अगर आप डिलीट करते हैं तो क्या रहता है, देखो यहाँ पे 4 3 7 5, दीज आर द 4 एलिमेंट्स। नाउ सेलेक्ट सेकंड एलिमेंट इज ऑलवेज नेगेटिव, -2 इंटू, अभी उसका कॉलम 2 का कॉलम डिलीट कर दो, रो भी डिलीट कर दो। यानी कि कौन से 4 एलिमेंट रहते हैं, देखो 1 3 2 5 प्लस 4 इंटू 1 4 2 7। नाउ सॉल्व दिस अगेन 3 इंटू। नाउ हाउ टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2, क्रॉस मल्टिप्लिकेशनचं सबट्रॅक्शन. यू हॅव स्टडीड इन द स्कूल लेवल ऑल्सो, इन द स्टँडर्ड 10th स्टँडर्ड You have studied this. Cross multiplication of subtraction means 4 into 5 means 20 minus 7 into 3 means 21 minus 2 as it is. Again this cross product minus this cross product 5 minus 6 plus 4 into 7 minus 8 Okay, that is 3 into minus 1 minus 2 into minus 1. 20 minus 21 means minus 1. Again 5 minus 6 means minus 1 plus 4 into minus 1. So the value is, we can write this as minus 3 plus 2 minus 4. The value of determinant D is equals to minus 7 plus 2, D is equals to minus 5. ये देखो, ये हो गई वैल्यू इस डिटर्मिनेंट के. यहाँ पे इसी तरह से हम डिटर्मिनेंट के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. वैष्णवी दमकोंडवार वेरी गुड, जगदाळे वेरी गुड, गर्जे right, Aniruddha Gaurav, yes, okay. Now we shall discuss the second example. अभी हम second example की तरफ बढ़ते हैं. We have to expand the determinant of second. Solve this second problem. What is that second problem here? 1, 2, 3, 12. 13 and 14, then 33, 34, 35. Solve this. Let D is equals to 1, 2, 3, 12, 13, 14, 33, 34, 35. That is D equals to. Now convert this 3 by 3 determinant into 2 by 2. Take, select this one first. 1 into, we can write. अभी 1 है तो 1 का रो और 1 का कॉलम रिमूव कर दो. रहते 4 एलिमेंट, 13, 14, 34, 35. मिडल का एलिमेंट कभी भी माइनस लेना है. -2 into, इसका कॉलम और इसका रो डिलीट कर दो. 12, 14, 33, 35 एंड लास्ट एलिमेंट +3 into 12, 13, 33, 34. Okay, this is the conversion of 3 by 3 determinant into the 2 by 2 determinant. So we can write D is equals to 1 in a bracket. Now cross multiplication. अब इसका solution कैसा होता है? Subtraction of cross product. इसका मतलब you have to subtract this cross product. Subtraction of cross product यानी कि 13 and 35, 14 and 13 into 35 का multiplication 455 minus 475. You can multiply this. -2 into, again this multiplication 12 into 35 यानी कि 420 minus 14 into 33. 14 means 462 plus 3 into, again 12 into 34, 408 minus 13 into 33, 429. Now solve this. अब इसका भी सब्ट्रैक्शन करना है. D is equals to 1 in a bracket 476 minus 415 यानी कि minus 21 minus 2 into 420 minus 462 यानी कि 42 minus plus 3 into 408 minus 429. इसका मतलब 29 minus 8 means minus 21 बराबर है क्या देखो. So D is equals to अभी इसका कैलकुलेशन करो 1 into 21 means minus 21 plus 84 minus 2 into 42 means 84 minus 63 यानी कि D is equals to माइनस 80 माइनस 21 एंड माइनस 63 के एडिशन होते हैं माइनस 84 प्लस 84 द रिजल्ट विल बी जीरो. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज जीरो. ओके नाउ राइट डाउन नेक्स्ट वी शैल डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉब्लम. अभी आपको एक 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 प्रॉब्लम सॉल्व करना है. ओके थर्ड प्रॉब्लम we shall solve this third problem. Determinant of 2 1 minus 2 2 1 minus 3 5 4 suppose minus 9. Now calculate this. Write down this as it is. Let D is equals to this is as it is. Okay. 2 1 minus 2 2 1 minus 3 5 4 minus 9. सॉल्व करा दमकोणवार सोबत 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 सॉल्व करायचं रे थांबायचं नाही आहे. दैट इज D इज इक्वल्स टू टेक सेलेक्ट दिस फर्स्ट अटेम्प्ट 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ अब इसका रो और कॉलम डिलीट कर दो 1 माइनस 3 4 माइनस 9 माइनस 1 मिडल का एलिमेंट कभी भी माइनस ही लेना है. माइनस माइनस अगर आता है तो प्लस लेना. इसका कॉलम डिलीट करो इसका रो और इसका कॉलम डिलीट करो 2 माइनस 3 5 माइनस 9 माइनस 2 थर्ड एलिमेंट ले लिया माइनस 2 अभी उसका रो माइनस 2 ले लिए तो इसका रो और इसका कॉलम डिलीट करना है 2 1 5 4 2 1 5 4. नाउ सॉल्व दिस 2 इंटू माइनस 9 माइनस माइनस 12 ये देखो दिस सब्ट्रैक्शन इज अ माइनस 9 एंड दिस सब्ट्रैक्शन इज माइनस 12 एंड दिस इज अ माइनस ऑफ ऑर्डर. यहाँ पे जो मिडल का माइनस है वो सॉल्यूशन का माइनस होता है माइनस 1 इन अ ब्रैकेट दिस इज अ माइनस 18 माइनस माइनस 15 माइनस 2 इंटू 8 माइनस 5. नाउ सॉल्व दिस 2 इंटू 9 प्लस 12 माइनस माइनस प्लस होता है माइनस 1 इंटू माइनस 18 प्लस 15 माइनस 2 इंटू 3 यानी कि 2 इंटू 21 माइनस 1 इंटू माइनस 3 माइनस 2 इंटू 3. नाउ D इज इक्वल्स टू 42 प्लस 3 माइनस 6 यानी कि 45 माइनस 6 दैट इज 39. D इज इक्वल्स टू 39. इस तरह से हम इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3/3 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं. वी कैन फाइंड हाँ ओके वी शैल सी दिस माइनस 9 हाँ ओके यहाँ पे माइनस 9 आता है ये देखो ये माइनस 9 यानी कि इसकी वैल्यू चेंज होती है बराबर हो. वी कैन चेंज दिस 1 मिनिट हाँ ओके हा जो डिटर्मिनंट आहे माइनस 9 आहे तो घेऊन सॉल्व करा. मी परत एकदा सॉल्व करतो तो डिलीट झालेला आहे माझ्याकडनं. आय शॅल सॉल्व दिस डिटर्मिनंट D इज इक्वल्स टू 2 1 माइनस 2 2 1 minus 3, 5 4 minus 9. ते डिटर्मिनंट थोड़ा गलतीने डिलीट झाला, डबल सॉल्व करतो. 2 into determinant of 1 minus 3 4 minus 9 minus 1 into 2 minus 3 5 minus 9 and minus 2 into 2 1 5 4. ओके, हा -9 येतो. व्हेरी गुड. हा आपण सॉल्व करू. थोडे इथं प्रिंट मिस्टेक झाली होती. सीरीज डी इज इक्वल्स टू 2 into -9. यहाँ पे माइनस आता है, देखो -9 - -12 -1 into -18 -9 है. प्रॉब्लम में -9 है और रह गया था -18 -15 -2 into 8 - 5. Solve this. D is equals to 2 into -9 plus 12 -1 into -18 plus 15 -2 into 3. D is equals to 2 into 3 -1 into -3 -6. Okay. तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या आता है. d इज इक्वल्स टू 6 - -+3 - 6 यानी d इज इक्वल्स टू 3. ये आता है. देखो यहाँ पे माइनस रह गया था, वो माइनस करेक्ट कर लो. पिछले प्रॉब्लम में जो माइनस रह गया था वो सॉल्व कर दो. ओके, तो इसी तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है. वी शैल सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम. अभी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, हमें अभी सॉल्व करना है. सो राइट ऑन दिस. नेक्स्ट, d इज इक्वल्स टू 0 a b a 0 c. दिस इज a and b c 0. Now we have to solve this. D is equals to 0 into 0 c c 0 minus a into, अभी ये 0 ले ले, अभी ये का माइनस, तो ये c b 0 प्लस b into, अब ये एलिमेंट a 0 b c. नाउ सॉल्व दिस. 0 into 0 minus c minus a into 0 minus b c प्लस b into a c minus 0. यानी कि इसका मतलब 0 into -c minus a into b c प्लस b into a c यानी कि 0 plus a b c plus a b c यानी कि फाइनल आंसर आता है 2 a b c. इस तरह से हम इसका आंसर ले सकते हैं 2 a b c. अभी मैं इसका होमवर्क देता हूँ, आप होमवर्क सॉल्व कीजिए. d इज इक्वल्स टू -6, d इज इक्वल्स टू 3. वेरी गुड. d इज इक्वल्स टू 3. गोकुल सोलो सालूम के 3 आता है, देखो 3 आता है. ओके, Okay, we shall solve. You can solve these problems homework. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 6. This is 1. This is 3, 4, 2, 4, 1, 0, 3 minus 2, 5. Third example, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Fourth example, 2 3 minus 2, 4, 5, 3, 6, 1 minus 3. And last example, this can be written as 2, 3, 4, 35, 36, 37, 61, 62, 63. Okay. Now solve these 5 examples. We have to find out the value of this determinant. आपको यहाँ पे इस determinant की value निकालना है. 3 by 3 का determinant है. Okay. तो यहाँ पे हम stop करते हैं. तो आप इसका सभी का solution निकाल के हमारे WhatsApp पे भेज दीजिए. Okay. Thank you.